सो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एस के चार्जर के रिटर्न के बारे में, वो भी गैलेक्सी में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक देख लेना। एंड मैं ये हमेशा बोलता हूँ, पर यार ज्यादातर लोग यार एंड तक नहीं देखते, जिसकी वजह से मेरे को अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो प्लीज यार इस बार एंड तक देख लेना, तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जरूर दबाना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सो गाइस इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना ओपिनियन इंक्लूड करने वाला हूँ। अगर आपके पास अच्छा ओपिनियन या फिर थ्योरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर मुझे वो अच्छा लगा तो शॉर्ट आउट देके मैं और थ्योरी को नेक्स्ट पार्ट में जरूर इंक्लूड करूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बस एस चार्जर रिटर्न से रिलेटेड मेरे पास कुछ मर्चेंडाइज भी है एंड एक अच्छी सी थ्योरी भी है। तो पहले हम मर्चेंडाइज को देख लेते हैं, फिर हम थ्योरी देखेंगे। तो गाइस मैंने कई बार बताया और अभी भी बता देता हूँ, क्योंकि यार कई लोग नहीं समझ पाते कि मर्चेंडाइज होता क्या है। तो मैं बताऊँ तो मर्चेंडाइज एक लीक एंड हिंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आगे कौन से पोकेमोन रिटर्न आ सकते हैं, ऐश आके जाके कौन सा पोकेमोन पकड़ने वाला है, या फिर ऐश के कंपेनियन जैसे कि गो और कोहारू कौन से पोकेमोन पकड़ने वाले हैं। एंड इसमें अदर और भी हिंट्स होते हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप मर्चेंडाइज को देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये वाला मर्चेंडाइज देख लेते हैं। तो यार मर्चेंडाइज में हमें कुछ एस के पोकेमोन डिस्प्ले किए जा रहे हैं, जो कि लुकारियो फिलहाल ये इवॉल्व नहीं हुआ है, पर बहुत जल्द इवॉल्व होएगा। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मेरा चैनल जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गेंगार दिखा जा रहा है, जो भी एक ऐश का पोकेमोन है। उसके बाद मिस्ट्रामाइन भी दिखा जा रहा है, जो भी ऐश का एक पोकेमोन है। एंड फिर गार्चोम दिखा जा रहा है, ऐसी लिखा रही कि ऐश का गिबल वापस आएगा एंड गार्चोम में इवॉल्व होगा। एंड स्नोरलैक्स ऐश का ये, एंड माचेम के ऊपर भी लिखा रही कि ऐश माचेम को पकड़ेगा। तो ये सारे लीक पोकेमोन ही इसमें दिखाए जा रहे हैं। एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है चार्जार्ड, ब्लास्टोइस एंड विनासोर। तो इसके हिसाब से एस के टीम में ये तीनों पोकेमोन होने वाले, चार्जार्ड, विनासोर एंड ब्लास्टोइस। पर फिलहाल हम फोकस करेंगे चार्जार्ड पे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चार्जार्ड के ही चांसेस हैं। उसके बाद हमें यह वाली मर्चेंडाइज देखने को मिलती है, ये भी एकदम सेम ही मर्चेंडाइज थी। एंड इसमें वही सारे पोकेमोन डिस्प्ले किए जा रहे हैं जो कि पिछले मर्चेंडाइज में किए गए थे। एंड यहाँ पे चार्जार्ड भी शो किया जा रहा है। तो इसके हिसाब से एस के टीम में तीनों कैंटो के स्टार्टर्स आने वाले, वो भी फुल एवोल्यूशन में। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होएगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड पोकेमोन है। उसके बाद यहाँ पे एक और मर्चेंडाइज दिखाया जाता है, जहाँ पे है गार्चोम, गेंगार, मचैम्प, लुकारियो, विनासोर, ब्लास्टोइस एंड चार्जार्ड। ये एक तरह से यार एस की टीम ही है, पर अब हमें नहीं पता ये कितना कन्फर्म है कि कितना झूठ है। पर मुझे लगता है यार ये 40% तो सही हो सकता है कि चार्जार्ड रिटर्न आ जाए, एंड बाकी मुझे यार ब्लास्टोइस एंड विनासोर के बारे में नहीं पता। तो अब हम थ्योरी देख लेते हैं। सो गाइस आप लोगों को पता है कि एस का चार्जर कभी भी रिटर्न आ जाता है जब एस की स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से बैटल हो रही होती है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जो कि एस वर्सेस गैरी एंड एस वर्सेस नोलैंड। तो एक तरफ गैरी का ब्लास्टोइस एंड गैरी के अदर पावरफुल पोकेमोन्स थे, एंड दूसरी तरफ नोलैंड का एक पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो। एंड ये दो बैटल में चार्जर रिटर्न आया था एंड ये दो पोकेमोन को एकदम धूल चटा दी थी, मतलब दोनों ट्रेनर्स को धूल चटा दी थी। एंड चार्जर ने एस को ये बैटल जिता दी थी। एंड अगर चार्जर नहीं होता तो ये इम्पॉसिबल से होता है एस के लिए जीतना ये सारी बैटल। एंड फिलहाल तो गाइस गैलेक्सी में वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स आएंगे, जहाँ पे अलग अलग रीजन के चैंपियन भी होंगे एंड साथ ही साथ लियोन भी होगा, जो कि एक अनबीटेबल चैंपियन है। बस जाहिर सी बात है ये सब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हैं, तो आई थिंक चार्जर्ड पक्का रिटर्न आएगा। और गाइस अगर चार्जर्ड रिटर्न आ गया तो यार मैं 99% गारंटीड बोल सकता हूँ कि एस वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर से जीतेगा, कि हमें एस के चार्जर्ड की पावर तो पता ही है। और गाइस यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनती है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है एस ने गैलेक्सी में कोई भी फायर टाइप पोकेमोन नहीं पकड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके एस को फायर टाइप पोकेमोन की जरूरत पड़े एंड फिर वो प्रोफेसर ओक से बात करे एंड चार्जर्ड को विड्रॉ करे, क्योंकि चार्जर्ड से ज्यादा पावरफुल फायर टाइप पोकेमोन एस के पास नहीं है, वो एस का बेस्ट फायर टाइप पोकेमोन है। गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं बोल दूं, ये कोई भी ऑफिशियल एंड कंफर्म न्यूज नहीं है कि आज का चार्जर रिटर्न आएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है एंड अपने थ्योरीज आपके सामने रखी हैं, जिससे यार पॉसिबिलिटीज बनती है कि आज का चार्जर वापस आए। तो ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जरूर दबाना। मिलूंगा इसी पोकेमोन के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।